अचरेरा भरतपुर रोड स्थित अग्रोहा धाम पर आज राज्य मंत्री चौधरी युधवान सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच एक विशेष बैठक का आयोजन किया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य 14 सितंबर को अलीगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होने वाली सभा को सफल बनाना रहा। अचरेरा के अग्रोहा धाम में आज राज्य मंत्री चौधरी युधवान सिंह ने अपने सुरोगीय कार्यकर्ताओं के साथ एक विशेष बैठक का आयोजन किया। राज्य मंत्री ने बताया कि 14 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा अलीगढ़ की भूमि पर एक विशाल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी जाएगी। इस विश्वविद्यालय का नाम महान स्वतंत्रता सेनानी, महान देशभक्त आजाद सिंह फौज के सेनापति एवं संस्थापक राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर रखा जाएगा। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गरिमा में उपस्थिति रहेगी। इस विशाल कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। मंत्री जी, कार्यक्रम ये हो रहा है किस बात को लेकर के हो रहा है? राजा महेंद्र प्रताप, महान स्वतंत्रता सेनानी, देशभक्त और भारत स्वतंत्र अघोषित स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति, आजाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति और संस्थापक, संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक के नाम से एक विशाल विश्वविद्यालय अलीगढ़ की भूमि पर 14 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्रीमान नरेंद्र जी मोदी के कर कमलों से होगा। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की गरिमामयी उपस्थिति होगी। एक महान योद्धा, महान क्रांतिकारी, महान दानी, महान देशभक्त की अंतर आत्माओं को अपनी भावांजलि देने के लिए आगरा फतेहपुर सीकरी विधानसभा क्षेत्र के अधिक से अधिक लोग पहुंचे। इसी श्रृंखला में आज अचनेरा में अपने सुयोग्य कार्यकर्ताओं को बुलाया था और सुयोग्य कार्यकर्ताओं के बीच में उस सब की योजना बनी है, कौन कहां से कितनी बस ले जाएगा। जो बड़े गांव हैं वहां से बस जानी चाहिए, ऐसा तय हुआ है, कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है। जो छोटे गांव हैं वहाँ से कार्यकर्ता स्वयं अपने चार पहियों की गाड़ी ले जाएंगे, कार्यकर्ता उत्साहपूर्वक यहाँ से निकलेंगे। इस प्रकार की योजना बनाने के लिए आज हम यहाँ बैठे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि फतेहपुर सीकरी विधानसभा की उपस्थिति बहुत अच्छी होगी और प्रशंसा के योग्य होगी।